अल्लाह ताला के बेशुमार नाम हैं और तमाम के तमाम नाम बड़े ही बेहतरीन, बड़े बाबरकत, बड़े बुलंद और बड़े ऊंचे नाम हैं। कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयतों में अल्लाह ताला ने अपने नामों का तज़किरा किया, अपनी सिफात का तज़किरा किया है। उन्हीं तज़किरों में से एक वो आयत भी है जो सूरह हश्र की आखिरी आयतों में से है, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने मुख्तलिफ नामों का तज़किरा करते हुए कहा, هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام। वही अकेला अल्लाह है जिसके सिवा कोई हकीकत में माबूद नहीं है, जो बड़ी ही पाकीजा हस्ती, पाकीजा जात, बादशाह और सलामतियां आम करने वाला, हर किस्म के ऐब से, कमियों से पाक अल्लाह ताला की जात है। तो अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम अस्सलाम, जिसका माना एक ये भी आता है कि अल्लाह ताला हर किस्म के नक्स, हर किस्म के ऐब, हर किस्म की कमी और हर वो चीज जो अल्लाह की शान में गुस्ताखी बने, हर वो चीज जो अल्लाह के इज्जत और मकाम में कमी का जरिया बने, हर वो बात जो अल्लाह ताला पर किसी किस्म का ऐब या नुकसान लाए, उन तमाम किस्म के नकायस और अयूब से पाक जात अल्लाह ताला की जात है। नमाज के बाद जो दुआएं पढ़ी जाती हैं, उन दुआओं में एक दुआ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाई कि कहें, अल्लाहुम्मा अंता सलाम व मिनका सलाम तबारकता या ज़ल जलाल व इकराम, के अल्लाह तू ही सलामती वाला है, तुझसे ही सलामतियां सबको नसीब होती हैं। और इसी तरीके से नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम अस्सलाम है जो अल्लाह ताला ने इस सरजमीन पर आम कर दिया है।